Hello students, today we are going to start algae. आज हम शैवालों के बारे में पढ़ेंगे. Algaes, they are thallophytes which have chlorophyll as their primary photosynthetic pigment and lack a sterile covering of cells around the reproductive cells. First, we discussed about habit and habitats. ऑफ़ एल्गी या हम कहें शैवाल के जो आवास हैं वो किन किन आवासों में पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दे मे बी ऑफ फ्री फ्लोटिंग, फ्री स्विमिंग और अटैच टू द बॉटम इन द शैलो वाटर. अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, एल्गीज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल, एरोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, थर्मोफाइट्स एंड algae of unusual habits. First, aquatic algae. Aquatic algae found from tiniest ditch to the mightiest river and ocean. Aquatic algae या हम जलीय शैवाल जिसे कहेंगे हिंदी में की बात करें तो ऐसे शैवाल जो जलीय माध्यम में पाए जाते हैं उन्हें हम जलीय शैवाल या aquatic algae कहते हैं. ये विभिन्न प्रकार के होते हैं. पहला है फ्रेश वाटर एल्गी. फ्रेश वाटर एल्गी अर्थात ऐसे शैवाल जो कि स्वच्छ जलीय ताज़ा पानी जिसे हम कहते हैं मीठे पानी में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये फ्रेश वाटर एल्गी है. इसके बाद आते हैं स्टेग्नेंट वाटर एल्गी. स्टेग्नेंट से मतलब ऐसा पानी जो ठहरा हुआ होता है जैसे कि तालाब का पानी, वहाँ जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम स्टैग्नेंट वाटर एल्गी कहते हैं. फॉर एग्जांपल उडोगोनियम और कारा. नेक्स्ट इज रनिंग वाटर एल्गी. रनिंग वाटर जो कि बहते हुए जल में जैसे नदियों के पानी में जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम रनिंग वाटर एल्गी के कहते हैं. फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स. नेक्स्ट आता है हमारा सी वाटर एल्गी. सी वाटर इट मीन्स जो सी में एल्गीज पाई जाती हैं उन्हें हम सी वाटर एल्गी कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस एंड पोरफायरा. नेक्स्ट है सी में भी जो एल्गीज पाई जाती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. उसमें आती हैं प्लैंकटोनिक एल्गी. दीज आर फाउंड फ्री फ्लोटिंग और फ्रीली स्विमिंग इन वाटर. दोज एल्गी यानी कि ऐसे शैवाल जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं लेकिन वो फ्री फ्लोट स्वतंत्र या मुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं उन्हें हम प्लैंकटोनिक एल्गी भी कहते हैं. इसके एग्जांपल है साइक्लोटेला और पिन्यूलेरिया. नेक्स्ट इज यू प्लैंकटॉन्स. दीज आर नेवर अटैच टू द सबस्ट्रेटम. यानी कि ऐसे शैवाल जो कि किसी भी आधार से अटैच नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसिस्टिस और कॉस्मेरिया. के बाद आते हैं टाइकोप्लैंकटॉन्स. टाइकोप्लैंकटॉन्स जो हैं ये ऐसे शैवाल होते हैं जो शुरुआत में एक दूसरे से अटैच रहते हैं परंतु कुछ समय पश्चात ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट आती है हमारा टेरेस्ट्रियल एल्गी. टेरेस्ट्रियल एल्गी दीज आर फाउंड बीनेथ इन द सॉइल सरफेस. एग्जाम्पल टेरेंटिफोलिया यानी कि सॉइल कि जो सरफेस होती है उस पर या उसके नीचे की तरफ जो एल्गी पाई जाएगी हम उसे टेरेस्ट्रियल शैवाल या स्थलीय शैवाल कहते हैं. एरोफाइट्स, दे आर अडेप्टेड टू द एरियल लाइफ, अकर ऑन ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट वॉल्स, फ्लावर पॉट्स, रॉक्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल फॉर्मीडियम स्पीसीज यानी कि ऐसे शैवाल जो कि एरियल लाइफ जिसे हम वायवीय जीवन कहें उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और पेड़ के तनों पर पाए जाते हैं या दीवारों पर जो नमी वाली दीवारें होती हैं उन पर पाए जाते हैं उन्हें हम एरोफाइट्स कहते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से रॉक्स पे पाए जाते हैं इन्हें हम एरोफाइट्स कहते हैं. क्रायोफाइट्स जिन्हें हम स्नो एल्गी भी कहते हैं. फाउंड ऑन माउंटेन पीक्स विद स्नो यानी कि ये शैवाल जो है जहाँ स्नो पीक्स होती हैं माउंटेन्स की उन पर पाए जाते हैं
For example, Haemococcus nivalis and Chlamydomonas yellowstonensis. It appears in green color. इसकी वजह से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है ये इस शैवाल की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट आती हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है जिसमें टेम्परेचर की बात हो रही है। हॉट स्प्रिंग्स जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले जो शैवाल हैं जो कि अधिकतम 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं उन्हें हम थर्मोफाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए आप हैप्लोसाइफन लिग्नोसिस। नेक्स्ट आती है हेलोफिटिक एल्गी। दे आर प्रेजेंट इन वाटर कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट एज यू कैन सी। यानी कि ऐसे शैवाल जो कि अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोफिटिक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं हेलोसाइफन सेलिनिया। नेक्स्ट आते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स आर दोज एल्गीज फाउंड ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड रॉकी सरफेसेस। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे शैवाल जो कि चट्टानों पर या पथरीले आवासों में पाए जाते हैं उन्हें हम लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद शैवाल भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लियोकैप्सा और रिव्यूलेरिया। नेक्स्ट इज एपिफिटिक एल्गी। द एल्गीज ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ऐसे शैवाल जो कि दूसरे अन्य पौधों पर उगते हैं उन्हें हम एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सिफेलुरोस एल्गी जो कि क्रायोसिफाइलम लीफ पर पाई जाती है। इसके अलावा ये इधर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज एपिजोइक एल्गी। दीज एल्गी आर फाउंड ऑन शेल्स ऑफ मोलास्क एज यू कैन सी। दीज एल्गी ग्रो ऑन शेल्स ऑफ मोलास्क टर्टल्स एंड फिन्स ऑफ फिशेस फॉर एग्जाम्पल एक्रोसाइफोनिया। ऐसे शैवाल जो कि दूसरे मोलास्क के शेल पर पाए जाते हैं उन्हें हम एपिजोइक एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोजोइक एल्गी। These are found inside the body of aquatic animals. ये आप देख सकते हैं aquatic animals की body के अंदर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। For example, zooclerola. आप ये देखिए ये point हुआ कर रखा है इस algae को। This is zooclerola algae found inside the hydra viridis. So it's called endozoic algae. Next is parasitic algae. As you can see, this one, parasitic algae, some algae cause particular disease on plants. For example, Sifalurus virescens cause red rust of tea by which a similar damage is caused. आप देख सकते हैं ये चाय की पत्तियां हैं जो हमारा टी प्लांट है उसके ऊपर ये रेड कलर के रस्ट कॉज करती हैं Sifalurus virescens algae, इसलिए इसे हम पैरासिटिक एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक एल्गी। एज जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है सिम्बायोटिक यानी कि ऐसे शैवाल जो कि सहजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें हम सहजीवी शैवाल कहते हैं। मैनी साइनोफाइसियन मेंबर्स ग्रो इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक विद एंथोसिरोस एंड इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट साइकल्स दे लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सहजीवी के रूप में ये पौधों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एल्गी। साइज अगर एल्गी की हम साइज की बात करें देयर साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 700 फीट। फॉर एग्जांपल जायंट कैल्प्स जो है इनका साइज बहुत ही बड़ा होता है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर टुडे
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।